हे दोस्तों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रोजाना की तरह आज भी आपके लिए नया सेटअप की वीडियो ला चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लैक पैंथर का सेटअप करेंगे, जो कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इस सेटअप सिर्फ हम Xiaomi का थीम्स का इस्तेमाल करेंगे, कोई भी KWGT का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको इस सेटअप को करना होगा तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट न्यू वीडियोस। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल को होम स्क्रीन में आ चुके हैं। चलिए मैं आपको इस सेटअप को करने के लिए कौन कौन से थीम डाउनलोड करना है वो बताता हूँ। उससे पहले मैं कल की वीडियो डाला था, जो कि टॉप 10 MIUI के थीम्स था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आपको देखना है देख सकते हो। चलिए थीम्स की बात करें तो पहले थीम्स का नाम ये है, आप इसको देख लीजिएगा। आपको इसको डाउनलोड करके सिर्फ आइकन पैक्स अप्लाई करना होगा। देख सकते हो मैंने आइकन पैक लगा दिया हूँ। उसका दूसरा थीम का नाम है ब्लैक पैंथर, जो कि डार्क मोड वाला थीम है। इसलिए जब भी आप इसको लगाओगे उससे पहले आपको डार्क मोड इनेबल करना होगा। चलिए मैं इनेबल कर देता हूँ। देख सकते हो मैंने डार्क मोड इनेबल करने के बाद सिंपल सा आपको होम स्क्रीन और सिस्टम अप्लाई करना होगा इस थीम का। देख सकते हो आपको सिर्फ दो ही चीज़ें अप्लाई करना था इस थीम में। चलिए तीसरे थीम की ओर चलते हैं, जिसका नाम भी देख सकते हो, इसका नाम भी ब्लैक पैंथर है, जो कि आपको इसका लॉक स्क्रीन अप्लाई करना होगा, क्योंकि इसका लॉक स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा कस्टमाइजेशन वाला है। दोस्तों आप देख सकते हो हमने तीनों थीम को डाउन करके सिंपल सा अप्लाई कर दिया हूँ। जो जो बताया हूँ वही अप्लाई करना होगा। उसके सिंपल सा अपने होम स्क्रीन में आ जाना है। आने के बाद कुछ ऐसा आपका होम स्क्रीन दिखेगा, जो कि मेरा पोको लॉन्चर है, जैसे कि मैं आपको पहले बता रखा हूँ अपने पहले की वीडियो में। सबसे पहले आपको जो गूगल का विजिट होगा उसको आपको होम स्क्रीन से हटा देना होगा, और जो क्लॉक विजिट होगा एकदम इसको नीचे ला देना होगा। लाने के बाद आपको एप्लीकेशन को एडजस्ट करना होगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे एडजस्ट करना होगा। जो एप्लीकेशन ज़्यादा इस्तेमाल करते हो अपने होम स्क्रीन में ला देना होगा, और कुछ ऐसा एडजस्ट करना होगा जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, देख सकते हो, क्योंकि मैंने वॉलपेपर ऐसे ही कस्टमाइज़ किया हूँ। जो कि आपको कुछ ऐसे एप्लीकेशन को एडजस्ट कर लोगे तो अच्छा लगेगा उस वॉलपेपर में। चलिए मैं आपको वॉलपेपर दिखाता हूँ जो कि आपको डाउनलोड करना है, जो कि आप देख सकते हो ये ब्लैक पैंथर का वॉलपेपर है, जो कि मैंने खुद इसको कस्टमाइज़ किया हूँ। आपको सिंपल सा इसको लगा देना है, इसमें एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो। चलिए मैं सिंपल सा अप्लाई कर देता हूँ। जब अपने होम स्क्रीन में लगाओगे तो भी आपके फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि मैंने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है। जब अपने फ़ोन में ट्राई करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपका होम स्क्रीन दिखेगा। जो दूसरा पेज है, आपको चाहे तो इसमें भी जैसे हमने फर्स्ट पेज पर एडजस्ट किया था एप्लीकेशन, वैसे आपको इस पेज पर भी एडजस्ट कर लेना होगा। सिंपल सा करना था। आपको देख सकते हो आपका होम स्क्रीन का सेटअप हो चुका है। चलिए मैं आपको इसका थोड़ा प्रीव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका लॉक स्क्रीन दिखाऊंगा, जो कि आप आसानी से देख सकते हो। चलिए मैं लॉक स्क्रीन दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे सेटअप चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों आप इसका लॉक स्क्रीन देख सकते हो, जो कि ब्लैक पैंथर का वॉलपेपर मिलता है। इसमें आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिल जाता है। चलिए मैं आपको एक बार और लॉक स्क्रीन में चलता हूँ, जो कि देख सकते हो आपको चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है, जो कि बहुत सारे थीम्स में नहीं मिलता है। और इसका देख सकते हो लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर, जो कि आप फ़ोन हिलाओगे इधर उधर तो लाइव देख सकते हो, जायरो की तरह काम करता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है, और आपको जरूर इसका लॉक स्क्रीन पसंद आएगा। इसका चार्जर एनिमेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कि आप देख सकते हो। अगर आप ब्लैक पैंथर का सेटअप करना चाहते हो तो इस सेटअप को ज़रूर कर सकते हो अपने फ़ोन में। चलिए मैं इसका सेटअप का प्रीव्यू दे देता हूँ, जो कि इसका कंट्रोल पैनल देख सकते हो। जैसा कि नया थीम है दोस्तों, जो कि ब्लैक पैंथर का, जो कि इसका कस्टमाइजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलिए मैं आपको इसका सेटिंग दिखा देता हूँ कि सेटिंग कैसे दिखेगा। इससे पहले आप नोटिफिकेशन पैनल देख सकते हो, कुछ ऐसा दिखेगा। चलिए मैं आपको सेटिंग्स में ले चलता हूँ, जो कि सेटिंग्स में भी देख सकते हो चेंजेस देखने को मिलता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप डार्क मोड थीम यूज़ करते हो और सेटअप करना चाहते हो तो थीम सिर्फ इस सेटअप आपके लिए एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो अपने फ़ोन में। इसका फ़ोन डायलर भी देख सकते हो, अगर आपके फ़ोन डायलर में सपोर्ट करता है तो ये सेटअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके फ़ोन में। अगर दोस्तों आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे सेटअप चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जितने भी डाउनलोड लिंक्स हैं मैं सारे नीचे दे दूँगा, सिंपल सब में वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि नीचे लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ।